हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ DIY ज्वेलरी बॉक्स फ्रॉम ओल्ड वॉच बॉक्स। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ये वॉच का बॉक्स लिया है। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। और अब मैं इसमें यहाँ पर ब्लैक कलर करूँगी जहाँ पर मुझे नीड है। तो मैंने यहाँ पर येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया है। तो मैं इसके साइड में और इसके टॉप और बॉटम में ब्लैक कलर कोट कर दूँगी। मैंने यहाँ पे वर्ली का कॉन्सेप्ट लिया है। आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, स्पेशली वर्ली बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है। तो और आप इसमें और वर्ली में भी बहुत सारे डिज़ाइन है डिफरेंट, आप वो भी नेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है ब्रश से, तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करके फिर ऊपर ब्रश से भी कर सकते हैं ईजीली। मैंने यहाँ पे नेचर और म्यूज़िक का फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो आप देखते रहिए वीडियो को। अभी तक मैंने प्लेन कलर किया था, अब मैं इसमें थोड़ा सा टेक्सचर दूंगी इस तरीके से। अगर आपको डायरेक्ट ब्रश से ऐसे राउंड डॉट लगाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप जो मांडला के टूल्स आते हैं हमारे, उससे भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं भी है, तो आप ब्रश के बैक साइड से या फिर आप ईयरबड से भी लगा सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे म्यूज़िक का भी कॉन्सेप्ट लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब मैं वो बना रही हूँ। इसमें हमें अकॉर्डिंग टू सरफेस देखा जाए तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आएगी और दिख भी रही है वो। तो इसमें हमें ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद एक सेकेंड कोट भी कर देंगे। मैंने यहाँ पर फर्स्ट कोट में आपको बताया है, तो आप सेकेंड कोट ज़रूर करिएगा, लुक आएगा उसमें। और कलर मैंने यहाँ पर फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं।
तो इस तरह से हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। इस तरह से आप कोई भी आर्टिकल बना सकते हैं। इसमें इसको आप ओपन करके ब्रश भी रख सकते हैं।